तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा गणेश विसर्जन आप किस विधि और किसी मंत्र से कर सकते हैं, किस मंत्र से, क्या है शुभ मुहूर्त। चार सबसे शुभ मुहूर्त मैं आपको बताऊंगा। बप्पा को ऐसे करें विदा, जाने सही विधि मंत्र। 28 सितंबर 2023 को गणेश उत्सव समाप्त हो गया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का शुभ मुहूर्त और सही विधि अनुसार विदाई देना चाहिए, तभी 10 दिन की पूजा का पूरा फल मिलता है। 10 दिन तक चले गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी यानी 28 सितंबर 2023 को होगा। इस दिन बप्पा का प्रतिमा का विसर्जन कर उन्हें विदाई दी जाएगी। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर गणेश भी अपने लोक लौट जाते हैं, इसके साथ भक्तों की सारी परेशानी संकट अपने साथ ले जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों की घर धन सुखी समृद्धि बनी रहती है। अब मैं बता दूँ शुभ मुहूर्त क्या क्या है। सबसे पहले सुबह 6:11 से 7:40 तक, दूसरा 10:42 से सुबह और शाम को 1:42 तक दोपहर तक, और फिर शाम को 4:41 से 9:10 तक, और फिर रात में 12:12 से 1:29 की बात करें 1:42 तक। तो ये चारों शुभ मुहूर्त हैं। अब मैं बता दूं गणेश विसर्जन आप अगर आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गणेश विसर्जन के दिन गजनन विधि विधान से पूरा पूजा करें, इस दिन लाल पीले रंग के वस्त्र पहनें। दूसरा दुर्वा मोदक लड्डू संदूर कुमकुम अक्षत पान सुपारी लौंग इलायची हल्दी नारियल फूल इत्र फल का अर्पित करें। घर या पंडाल जहां गणपति स्थापित किए हों वहां आरती और हवन करें। अब एक पार्ट में गंगा जल छिड़कें, उस पर अमुस्वास्तिक बनाकर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर गणपति प्रतिमा और उन्हें अपरित करके सभी सामग्री पाट पर रखें और फिर ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन के लिए निकलें। फिर नदी तालाब के तट पर विसर्जन से पूर्व दोबारा गणेश जी की कपूर से आरती करें, उन्हें केले का प्रसाद चढ़ाएं। गणेश उत्सव के दौरान अनजाने में हुई गलती को माफी मांगें, अगले वर्ष पुनः पधारने का कामना करें। अब मंत्र क्या बोलेंगे, इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो आपको धीरे से जल में विसर्जित करना है। ओम गच्छा गच्छा सुरुष्ट सस्नान परमाश्र यंत्र ब्रह्मादय देव तत्व गुच्छ हुतासन। इस मंत्र का आप विधि करते हैं तो आपका 100% अगले साल बप्पा फिर सुख समृद्धि लेके आएंगे। गणेश जी के साथ उन्हें आपत्ति की चीज़ें सुपारी पान लौंग इलायची और नारियल का विसर्जित करना चाहिए। स्थापन के समय कलश पर रखे नारियल को भी जल में प्रवाहित कर दें, इसे फोड़ने का बिल्कुल प्रयास न करें, भूल न करें। घर में ही प्रतिमा का विसर्जन किसी साफ बर्तन में कर सकते हैं। जब पानी में प्रतिमा घुल जाए तब ये पानी और मिट्टी घर के गमले में डाल सकते हैं। अब मंत्र में बता दूं, अगर आप ये मंत्र करते हैं जब विसर्जन करते हैं, ओम यंतु देगड़ाय सर्व पूजवदाय मा काम इष्ट पुनापय पुनाप्स ओम मोदाय नम ओम प्रमोदाय नम ओम सुखमुखाय नम ओम दुखमुखाय नम ओम अभिजनाय नम ओम विधनकर्ता नम। अगर आप इस मंत्र का पढ़ते हैं तो 100% आपके जीवन में सुख समृद्धि आ